पैसा और परिवार। रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम कर साथ साथ वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने के पहले ही सो चुके होते। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ न बीतकर काम करते हुए बीतता। परिवार उसके साथ कुछ अच्छा टाइम बिताने का बस इंतजार करता रह जाता। पत्नी अक्सर उससे कहा करती कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ, बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज्यादा काम करना बहुत जरूरी है, मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। रमेश की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला, उसे बहुत उन्नति प्राप्त हुई, आकर्षक वेतन मिलने लगा, परिवार अब बड़े घर में रहने लगा, खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी न रह गई। लेकिन रमेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता हूँ, बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। तो पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में रमेश बमुश्किल अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने और उससे बातें करने के लिए तरस गए। इस बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह रमेश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और रमेश को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह बमुश्किल घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय बिजनेस टूर में बीतता। साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोर अवस्था में पहुंच गए थे। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटे ने उससे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटाकर 2 दिन में वहां पहुंचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का ही होगा। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट पर स्थित अपने घर चले गए। 2 दिन बाद रमेश वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल नहीं खरीद सकता है। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे, आप पैसों के पीछे क्यों भाग रही हैं, हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता।